आपके हॉटनेस के चर्चे हिस्ट्री हो जाएंगे, आपके ऊपर रखे कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगे। हर साल की तरह स्प्लिट्सविला इज बैक विद पागलों वाली हरकतें करती हुई सनी लियोनी, हर एपिसोड में लड़ते हुए कंटेस्टेंट, बात बात पे कपड़े फाड़ते हुए लड़के और अपना गला फाड़ती हुई लड़कियां, एंड आई मीन हर बात पे बिना मतलब के गला फाड़ती हुई लड़कियां। लेकिन सिर्फ लाउड नहीं, ये लोग एक नंबर के दोगले भी होते हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए जो डोमिनेटिंग बिल्कुल ना। ये है आम जिंदगी। डोमिनेट अगर करना हो तो वो मैं करूँ, तुम मत करो। और ये है मेंटोस जिंदगी। मतलब मुझे बहुत बदतमीज लगता है, अगर तुम गाली नहीं दे सकती बट बहुत बदतमीज लगता है। 100 मरेंगे तो एक पैदा हुआ होगा, ऐसा बंदा है वो। लाइव स्ट्रीम पे गाली नहीं दे सकती यार, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक एवरेज स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट। ऑनेस्टली ये रोडीज वाले बनते भी थोड़े कुल, वेरी कुल, वेरी कुल, वेरी कुल है स्प्लिट्सविला वालों के आगे कि भाई हम तो रोडीज करके आए हैं, एज इफ ये कोई प्राउड होने वाली बात है। आपने मुझे रोडीज में तो देखा होगा। सॉरी ब्रो, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आधे लोग रोडीज देखना तब छोड़ चुके थे जब रघु एंड राजीव वेंट, और बाकी के आधों ने तब देखना छोड़ दिया जब गैंग लीडर्स ही शो छोड़ के चले गए। बिकॉज सुन मेरी बात, इट्स देयर चॉइस, बट सीरियसली आई हेट द फैक्ट के रोडीज वाले ना सुपीरियर बिहेव करते हैं। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन आयरनी देखो कि इनमें से एक भी रोडी की आपस में ही नहीं बनती। धोखे बाद फिर से मिल गया। ऐसे कौन गले मिलता है? ओह वेट सॉरी, रोडी। हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ। बस हो गया बहन, हो गया। हाँ यार बस हो गया, सारी भड़ास अभी थोड़ा निकालोगे, बाद में भी तो कंटेंट देना शो वालों को। ओ एंड आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल कि इस बार इस शो में उर्फी जावेद भी है, जो कि आई हेट टू से दिस, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे बोलते हुए, इस शो का बेस्ट पार्ट है। उर्फी के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्योंकि वो जीवत चिपाओ और खल पे जाओ वाली सनी लियोनी जी से तो अब कुछ होने से रहा। ऑनेस्टली उससे अच्छा तो इस वाली सनी लियोनी को होस्ट बना लो। लेकिन सीरियसली यार सनी, आपको इंडिया में काम करते हुए 13 साल हो गए, कम से कम अपने को-होस्ट का नाम तो सही से लिया करो यार। I love how you guys are looking at Tanush. Tanush? उसका नाम तनुज है बहन, तनुज। Tanush. सच बता रहा हूँ, 2-3 सीजन पहले ना एक लड़की थी सौंदर्या, जिसको सनी लियोनी जी बुलाती थी सौंदुरिया, और वो दिन है और आज का दिन था। मेरे को कहीं भी ये नाम दिख जाए ना, मेरे दिमाग में सौंदुरिया ही आता है, इसीलिए एज अ प्रोटेस्ट आई एम गोना कॉल हर सनाई ली वन। हैशटैग सनी लियोनी, नाम ठीक से लो। तो इस बार ना स्प्लिट्सविला वाले एक्सेस को भी लाए हैं, ताकि वो एक दूसरे के बारे में अपने मुंह से फूल झाड़े। थूकी भी च्युइंगम, मैं च्युइंगम को थूकने के बाद कौन देखता है दोबारा। And of course, इस मामले में भी हमारे रोडीज सबसे आगे। अच्छा, you guys are together in roadies? Yeah. And you like the same girl? Yeah. लगता है खुद MTV के शोज नहीं देखती है। We like the same girl. Are you serious? Yes, they are very serious, क्योंकि इन दोनों की ex इस शो में है, और उसका एक और ex इस शो में है, और उसकी भी ex इसी शो में है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। खैर, नाउ बैक टू दीज रोडीज, जिनको अपने रिलेशनशिप्स का आता पता नहीं है, लेकिन दूसरों के घरों की फुल इन्फॉर्मेशन है। उस रात की वो बात पता है कि वो घर छोड़ के निकल गई थी, ऐसा ऐसा सीन हो गया था, मुझे कहीं से सुनने में आया था। वही बस वही पास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको। बट तेरी एक्स के साथ तेरी फ्रेंडशिप थी उसके साथ भी। भाई कोई किसी का सगा नहीं है इस दुनिया में, और अभी शो शुरू हुए 10-15 मिनट भी नहीं हुए और इनके कलेश शुरू हो गए। ये बहुत ज्यादा खटक रहा है मुझसे, इसके पड़बड़ जाएगा एक दोस्त को। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के भैया जी ने दीदी जी के बारे में इंस्टाग्राम पे लाइव आके एलिजेंटली कुछ बोला और दीदी जी ऑफेंड हो गई। जैसे कि ये तो सबसे फ्लर्ट करती है, तू जानता नहीं है। Sorry? मेरे पास वीडियो, तुम दिमाग खाली है क्या तुम्हारा? ऊपर वाला माला। और इस सब पे मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है। जबरदस्ती करती है, ऊपर का माला खाली है क्या? Who talks like that? What are you? लेकिन यार MTV वाले कब से टीवी पे लोगों की इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम सिखाने लग गए भाई? मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था वो बंदा मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा है। ओ वेट, लाइव स्ट्रीम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों की रोका / एंगेजमेंट पिक्चर्स दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। क्या बोला तूने? यस, ये इस बार सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स ही नहीं, एक्स फियोंसेस भी ले आए हैं इस शो में। अरे बस कर भाई। सो शी इज नॉट योर एक्स गर्लफ्रेंड, शी इज योर एक्स फियोंसे। यू कैन से दैट। भाई यू कैन से दैट नहीं, उन्होंने बकायदा फोटोज दिखाई हैं, तो एवरीबॉडी will say that. पेरेंट्स के साथ उसकी मेरी मतलब डिबेट हो गई थोड़ी। Ooh. तो मैं इसके पापा पे चिल्ला गया थोड़ा। सीधे अंकल पे? हाँ जी बिल्कुल। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। So basically he told that कि वो दोनों छोटे थे और शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन लड़की के घर वाले चाहते थे कि शादी हो, so they had to break up, which is understandable. लेकिन इस समय बस एक छोटा सा सवाल है मेरे को कि फिर वो स्प्लिट्सविला में क्या कर रही है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए।
Like, इसकी तो शादी हो जानी चाहिए थी ना टेक्निकली. Why is she in Splitsville? Shouldn't Devangini be someone's Ardhangini by now? But don't you guys think कि MTV वाले कुछ ज्यादा ही पर्सनल लाइव्स में घुस रहे हैं लोगों के. मतलब मुझे तो लग रहा था कि बिग बॉस वाले ज्यादा घुस गए थे मुनावर की जिंदगी में. Oh, and इस सीजन मुनावर जी भी आए हैं Splitsville में फॉर सम रीजन. भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, कोई तो रोक लो यार इसको, कोई तो रोक लो. मतलब ऐसा लग रहा है ये दुनिया की ना आधी लड़कियों को पटाखा ही मानेगा. पहले तो सिर्फ लड़कियों के डीएम्स में घुसते थे सर, लेकिन अब तो रियलिटी शोज में भी घुसने लग गए हैं. वैसे स्पीकिंग ऑफ रियलिटी शोज में जाना, देन देयर इज आदित्य मिनोचा हु इज लिटरली वन ऑफ द वेरी फ्यू यूट्यूबर्स जिसको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं. ऑल्दो वो Splitsville में गया है तो आई एम जजिंग हिम थोड़ा, लेकिन कोई नहीं. हम सबका बचपन में एक वो सपना था ना रोडीज या Splitsville जाने का, जो हम बड़े हुए और फिर हमें रियलाइज हुआ बहुत ही स्टूपिड सपना है. आई थिंक उसका वो रियलाइजेशन नहीं हुआ. बट गुड लक टू यू आदित्य, एंड स्पेशली गुड लक क्योंकि मैंने प्रोमो में देखा है कि उर्वशी रौतेला आने वाली है शो में. सबसे फनी, सबसे फुद्दू वाला स्टेटस और स्पिरिट एनिमल किसका लगा? द टॉर्चर. या गुड टू नो कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसके दिमाग में कोई लाइन आती है और उसको लगता है ओ भाई ये तो बहुत सॉलिड लगेगी, लेकिन वो सबको फुद्दू लगती है. बट हे, एटलीस्ट एमटीवी वालों ने उसको एनिमल पे टर्टल दिया, अनलाइक दिस गाय जिसे कुत्ता बना दिया. आपने मुझे रोडीज में तो देखा होगा. नहीं. लेकिन आई नो कि कोई भी यूट्यूबर कहीं भी चला जाए इन किड्स से तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा जिनका अभी बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आया, बट इनमें हवाबाजी पहले आ गई है. देखो मैं बहुत हरामी टाइप का लग रहा हूँ, बट मैं बहुत शाय सा हूँ. मैं बहुत शाय हूँ. नहीं लग रहा है. नहीं दिख रहे. मैं बहुत हरामी टाइप का लग रहा है. कुछ लोग तो आई फील आते ही शोज में अपनी बेइज्जती कराने हैं. मतलब इनके घर वाले और रिश्तेदार छोड़ो, इनके ट्यूशन वाले सर भी नहीं मारते क्या इनको. और अगर आप सोच रहे हो कि ये शो का यंगेस्ट कंटेस्टेंट है तो वेट. व्हाट्स योर एज? माय एज 31. गेस करो आप. 27. ए 27 पे ऐसा क्या रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को बुड्ढा बोल दिया हो. आई एम 27 एंड आई एम नॉट अ बुड्ढा. ऑल्दो आजकल थोड़ा कमर दर्द ज्यादा हो रहा है, बट आई एम नॉट 23, 24, 21, 19. लगता है इसकी मम्मी ने इसको कॉम्प्लान की जगह प्रोटीन के डब्बे पिला दी. अगर मुझे कोई लड़की यहाँ पसंद आ गई या ऐसा कुछ. और इस बंदे ने पहले ही एपिसोड में हग दिया, और वो भी एक बार नहीं दो बार. मुझे ये बैंड आरी को देना है. यार, I don't wanna be anyone's second choice. ओहो, सख्त लौंडा. I don't wanna give it now. Very good, very good. I mean, I'm all for सख्ती, लेकिन भाई तू Splitsville में गया है, तो अपना दीन ईमान ना गेट के बाहर छोड़ के आना था, है ना girls? Also for some reason ये 20 साल वाला और 19 साल वाला लड़का वहीं लड़ने लग गए. तेरे को देख के मेरे को कॉम्प्लेन देने का मन कर रहा है. दे दे भाई, तू भी बहुत लंबा नहीं है, टेंशन मत ले. हाँ भाई. भाई तुम्हें इस 20 साल वाले की एक्स इज ऑल्सो हियर जो इसकी फोटो देख के हंस दी. Not my ex. It's funny how कोई अपने ex को देख के ऐसे react करता है और कोई ऐसे. पर चलो, at least I'm glad कि इस बार Splitsville वाले मान तो रहे हैं कि ये सबका काटते हैं. India's biggest dating reality show, लेकिन ये सब बोलने की बात है. India's biggest काटने वाली शो, जहाँ ये इतना काटने लगे हैं कि पिछले साल के विनर्स के ये हाल है. Describe your feeling. Are these the lines you gave Sandus? Oh. When she was on the show. Who Sandus man? Oh my god. Who Sandus bro? This Sandus. पहले ये बताओ, last season तुम जीत के गए थे ना किसी के साथ? हाँ. वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो उसको zoom में छोड़ दिया है. होता है जब आपकी पार्टनर आगे चल के खतरों के खिलाड़ी कर ले और आप सिर्फ एक Splitsville के बिहाइंड द सीन्स के होस्ट बन के रह जाओ तो दर्द होता है. एंड गाइज, दैट वाज इट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो इफ यू वॉन्ट अ पार्ट टू मिड सीजन में या सीजन के एंड के टूवर्ड्स. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई शिवम थिंग्स के व्लॉग्स हियर और हियर. मैं हर बार कंफ्यूज होता हूँ, आई डोंट नो व्हाई. बट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो. लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. एंड रिमेंबर, ज्यूत चिबाओ और खोल पे जाओ.